नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये क्या काम करता है। तो जैसा कि इसको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करता है, यानी EMF का यूज़ करता है और मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करता है, तो फ्लो को मेज़र करने के काम आता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इसको बोला गया है। तो कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे है, यानी कि हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करेंगे और उससे मैग्नेटिक जो लाइंस हैं या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए इसको बोला गया है। तो अब देखिए इसके अंदर इसका यूज़ करके हम कैसे फ्लो को मेज़र कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये दो फिगर बनाई है इसको समझने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें इसका समझना पड़ेगा जो प्रिंसिपल है। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन पे काम करता है। तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, तो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन कहता है कि यहाँ पे हमने एक फिगर बनाई है। मान लीजिए आपके पास नॉर्थ और साउथ पोल है, किसी कोई मैग्नेट है आपके पास, और जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से हैं, बी से अगर आप इनको डिनोट करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो परपेंडिकुलरली जब इनके बीच से एक कंडक्टर जो है, ये क्या है, कंडक्टर है, जब मूव करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगी, यानी कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। तो वो क्या होगा, जैसे ही परपेंडिकुलर ये इन लाइन को कट करेगा, जैसे ही आगे तरफ मूव करेगा तो इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगी। अब जितनी वेलोसिटी से ये मूव करेगा, जितनी वेलोसिटी से आप इसको मूव करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर EMF प्रोड्यूस होगी, या आप कह सकते हैं कि जो EMF है वो किसके बराबर होगी, BL into V। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन्स हैं इसकी वैल्यू है, यानी जो या कहें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, B इसको डिनोट करता है। L क्या है, जो इसकी लेंथ है कंडक्टर की, ये इसको डिनोट करता है। और V क्या है, जिस वेलोसिटी से आप इसको मूव करेंगे इसके अंदर, तो वो है। तो B और L तो आप कांस्टेंट रखेंगे, तो E आप कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो जाती है, यानी कि जो EMF जनरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की है। अगर ये दोनों चीज़ें आप कांस्टेंट रखते हैं, जितनी तेज़ी से आप इसको गुजारेंगे उतनी ज़्यादा EMF प्रोड्यूस होगी, जितना स्लोली आप गुजारेंगे उतनी कम EMF प्रोड्यूस होगी, तो वेलोसिटी की आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। तो इसी तरह से यही प्रिंसिपल काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के अंदर। यहाँ पे एक पाइप लगाया गया है और यहाँ पे लगाई गई हैं कोयल्स, ये कोयल्स हैं, ये भी कोयल है और ये भी कोयल है। जब इन कोयल को आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप इस तरह से ले लीजिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है वो इस तरह से हैं। तो जैसे ही यहाँ से एक फ्लूड एंटर करेगा, जो फ्लूड होगा वो आपका कंडक्टिंग होगा, तो कंडक्टिंग फ्लूड आप इसके अंदर लेंगे क्योंकि उसके लिए ही ये काम करेगा। तो कंडक्टिंग फ्लूड जैसे ही इसके अंदर से पास करेगा, तो जैसे ही पास करेगा, अब देखिए यही प्रिंसिपल इसके अंदर लागू होगा कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे ही ये पास करेगा तो इसके अंदर क्या है, इसके यहाँ पे इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं, इसके दोनों तरफ जो हैं इस तरह से इलेक्ट्रोड कनेक्ट हैं, जो इसके फ्लो को चेंज करेंगे वोल्टेज के अंदर, या कहें कि EMF के अंदर चेंज करेंगे। जितनी तेज़ी से ये फ्लो करेगा उतनी आप यहाँ पर रीडिंग ले लेंगे, और जितनी रीडिंग आएगी आप उससे अनुमान लगा लेंगे, या कहें कि आप उसे कैलिब्रेट कर लेंगे कि कितनी जो है इसका फ्लो है। तो एक तरह से क्या है, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज करेंगे आप, तो इसके जो फ्लो को जानने के लिए, तो इस तरह से आप उसको जान सकते हैं जैसे कि हमने बात की। तो EMF कितनी प्रोड्यूस होगी, जितनी वेलोसिटी से वो मूव करेगा, तो ये आप निकाल सकते हैं। इसका दूसरा डायग्राम आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इस तरफ से देखते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बनाई है, यहाँ पे ये कोयल लगाई है और ये भी क्या है, कोयल है, और ये हमने इलेक्ट्रोड लगाए हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से आप इस फिगर से भी इसको समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ ये वोल्ट मीटर कनेक्ट है। तो जैसे ही फ्लो इसके अंदर से मूव करेगा तो क्या होगा, ये कॉइल जो है, जब इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस हैं जनरेट होंगी, और उससे क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा जब फ्लो उसके बीच में से गुजरेगा, तो ये उसको चेंज करेगा, उस फ्लो की जो वेलोसिटी है EMF में कन्वर्ट कर देगा और आप उसको नोट कर लेंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं EMF को निकाल के कि वो कितने वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर है वो काम करता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।